So hey, what's up guys, this is Ved back with a new video. So good morning guys, आज है 19th of October 2022 और सुबह के 6:30 बजे, ठीक है। एंड आज मेरा एग्जाम है और मुझे सर्दी हुई है, ठीक है, कोई सीन नहीं है, बस कल स्टडी किया है और वैसे भी इजी पेपर है, ESTE का पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज, ओके। और मुझे सर्दी हुई है तो मुझे बात भी ठीक से नहीं करना आ रहा, फिर भी हम ब्लॉग करेंगे, ठीक है, फिर भी करेंगे ब्लॉग। अभी मैं जिम जाने वाला हूँ तो आज देखेंगे क्या करते हैं आज। आई थिंक लेग्स का वर्कआउट होगा। कल सीन ऐसा हुआ, कल मतलब 6-7 बजे आई गेस, 6-7 बजे, ठीक है, सीन ऐसा हुआ, मेरा यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अभी मराठी में फर्शी बोलते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट उसके ऊपर मैंने ऐसा हाथ रखा, ठीक है, एंड वो बीच में से टूट कर मेरे मेरे ऊपर गिर गया। तो ये ऐसा सीन हो गया था इधर, मतलब ये अभी ये डाला है, ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसा सीन हो गया था अभी इधर, तो इधर ये मैंने रखा है अभी, तो ये ऐसा सीन हो गया था, मतलब थैंक गॉड कि इतने ज़ोर से नहीं गिरा मेरे पैर के ऊपर, थोड़ा गिरा मतलब लगा होगा, कुछ नहीं, इतना कोई सीन नहीं है, बट पैर बच गया मेरा, ठीक है। तो भाई चलते अभी रेडी होता है, ठीक है, मतलब फ्रेश हो गया होगा, मतलब ये बस चेंज नहीं गया, तो चेंज करते हैं और जाते हैं जिम, देखते हैं क्या क्या वर्कआउट करेंगे और देखते हैं आज पेपर कैसा जाता है और कैसा दिन जाता है इस कॉलेज का, देखिए कॉलेज का ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है, सो लेट्स गो। तो भाई देखो क्या वेदर हो रखा है, और मतलब अभी इतना ठंड नहीं लग रहा मेरे को, मैं अभी शॉर्ट्स में हूँ और टी शर्ट भी पहना है, तो मुझे इतना ठंड नहीं लग रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। बट ये वेदर देखो भाई, अंदर का पूरा मतलब ये कॉलेज दिख भी नहीं रहा। आज देखते हैं क्या क्या करेंगे, रेडी होने के बाद शूट करने वाला था तो भागा दौड़ शुरू थी घर में सुबह सुबह, ठीक है, तो कुछ शूट नहीं किया। अभी जाते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं और मिलते हैं वर्कआउट के बाद, देखते हैं वर्कआउट का व्लॉग, लगता है मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि सुबह सुबह बहुत भीड़ होती है ना, तो प्रॉब्लम आएगा मे बी, क्योंकि जल्दी जा रहा हूँ अभी, कितने बजे, 7 बजे अभी सुबह के, तो आई डोंट थिंक कि मैं बना पाऊँगा, तो देखते हैं क्या करते हैं, मिलते हैं वर्कआउट के बाद। वर्कआउट हो गया है, ठीक है, अभी और बहुत सही वर्कआउट था, एंड सर्दी भी थोड़ी थोड़ी मतलब कम हो रही है, अभी वर्कआउट हो गया है, मेरे फ्रेंड का रह गया तो हम दो लोग साथ में जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए रुका हुआ हूँ मैं, और अभी लूजिन भी किया एंड देखते हैं अभी घर जाते हैं और आप सवाल करते हैं, ठीक है, घर जाके रेडी होंगे, अभी कॉलेज जाना है, पेपर भी है 10 to 11 मेरा पेपर है ESTE का, और देखेंगे उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं घर में। तो भाई आ चुके हैं हम घर, जिम से आके रेडी हो चुके हैं और हमने थोड़ा ट्राई किया सैंडविच बनाना, ये हमारा सैंडविच जल्दी जल्दी में बनाया ना, ठीक से नहीं हुआ पर अच्छा बना है, ठीक है, मैंने खाया अच्छा बना है, और आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे कॉलेज, हमारा पेपर है और कॉलेज में जाने के लिए बस आधा घंटा है, 15 मिनट में मुझे रेडी होना है, ठीक है, और तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। हम आ गए अभी, रुको जरा सबर करो भाई, आ गए हम अभी कॉलेज में, ठीक है, 302 इधर हमारा नंबर है और 10 बजे पेपर है, राइट यस 10 बजे पेपर है, देखने दे भाई मेरे को कितने बजे भाई, महंगा हो चे भाई
तो क्या नाचो मैं? ठीक है, तो ये हमारा कॉलेज है देखो। तो चलते हैं भाई, अभी स्टडी तो कल किया है, देखते हैं कैसा जाता है पेपर, मिलते हैं अभी पेपर के बाद। तो क्यों अभी आते हुए व्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत मतलब भाई पेपर में भी व्लॉग करेंगे तो करना। क्या बोलो भाई, हर एक क्वेश्चन दिखाएंगे भाई पेपर में। दिखाएंगे पेपर मतलब एक काम करो भाई, हम तुमको क्वेश्चन दिखाएंगे, कमेंट्स में आंसर बोल देना। ठीक है भाई, ठीक है बताएंगे, देखते हैं क्या क्या सीन होता है। यस, मिलते हैं अभी पेपर के बाद। कैसा अब इसका मीम बनेगा भाई। तो भाई ये हमारा क्लास है, बंदा टॉपर है क्लास का। वाओ, वेरी डेंजरस। देखो तो अभी पेपर हो चुका है और हमको छोड़ दिया पहले, मतलब हमारा पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया। ठीक है, ओए दिस इज टॉपर, ये हमारे क्लास का टॉपर बंदा है ना, ये बहुत ठरकी है भाई। इसका नाम अल्तमाश है, देखो अल्तमाश चौगले, ये ठरकी है भाई देखो। और ये बंदा ना भाई, ये लेजिट बंदा है लिटरली, मतलब ये अब भाई मुंह दिखा भाई। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एग्जाम एंड वी आर गोइंग टू ईट समथिंग फूड बिकॉज़ माय हेल्थ इज वेरी लो एंड ही इज लुकिंग सो हॉट यार। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। देखो ये बंदा ना हमारे क्लास का डांसर है, ठीक है, ये बहुत सही डांस करता है भाई। एंड ये नथिंग, ये बंदा मतलब शब्द नहीं है इस बंदे को कहने के लिए, मतलब भाई आम के पेड़ पे मत चढ़ा, आम गुठलियां। एंड दिस इज आवर हैकर टॉपर गॉड और व्हाट गाइस, सब्सक्राइब प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, तो एग्जाम हो गई है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हम यहाँ पे अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं मेरे फ्रेंड से। ठीक है, ये देखो ये वर्कशॉप है इधर हमारे कॉलेज में, ओ भाई। तो हम इधर खाना खाने के लिए बैठे हैं, क्लास के लौंडे देखो। ये बंदा सबको कॉल कर रहा है और सबको ऊपर बुला रहा है, आई थिंक मीटिंग है सबकी, सर ने ऊपर बुलाया सबको। देखो बॉय कैसा, ये हमारा डिपार्टमेंट है, दिखा दो, दिस इज आवर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कंप्यूटर। अबे यार दिख नहीं रहा, सो दिस इज आवर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और देखो यहाँ से ये व्यू, तो देखते हैं अभी क्या है और मिलते हैं थोड़ी देर में। आज मतलब ऐसा रश शुरू है थोड़ा, मतलब ऐसी गड़बड़ बहुत भागा दौड़ शुरू है, तो ठीक से ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा और ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, सर्दी हुई है बहुत। ठीक है, देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक, सो टॉकिंग अबाउट द पेपर, पेपर बहुत ईजी था भाई, सब क्वेश्चन के आंसर्स किए हैं हमने, देखते हैं अभी कितने मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स का पेपर था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। और ये बंदा देखो अभी भी सबको कॉल कर रहा है, इसकी कोई सुन नहीं रहा, मैं अकेला इधर आया हूँ। अभी मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है, फ्रेश हो चुका हूँ मैं अभी। और सीन ऐसा था कि हमारा पेपर जल्दी मतलब 10:38 में ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद हम सब नीचे आए थे खाना खाने के लिए और वो हम, ठीक है, उसके बाद हमारा गेस्ट लेक्चर था, तो गेस्ट लेक्चर के लिए हम रुके थे। और उसके बाद अभी बस एक 5-10 मिनट हो गए मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है। कोई मतलब सब लोग घर चले गए तो मैं भी आ गया, बस जिनकी बस जो लोग बस से जाते हैं वो सिर्फ रुके उधर, ठीक है। तो ऐसा सीन था, अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो अभी मैं कुछ खाना खाऊंगा और थोड़ी देर के लिए मैं सोऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सर्दी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी वजह से अब मैं रेस्ट करने वाला हूँ, कुछ खाऊंगा और उसके बाद रेस्ट करूँगा। तो चलता हूँ, अब मिलते हैं 4 बजे, ठीक है। अभी मैं खाऊँगा कुछ और सो जाऊंगा, ठीक है। तो भाई अभी रात के 7:15 बजे, ठीक है, 7:14 हो गए ऑलमोस्ट। तो मैं 3 घंटा सोया, ठीक है, मतलब इतना बीमार, अभी भी नींद आ रही है मेरे को, अभी भी मतलब नींद आ रही है मेरे को। मैं 3 घंटा सोया और फिर मैं मेडिकल में गया था, थोड़ा मतलब मेडिसिन लेना था,
तो सीन ये हुआ कि भाई जो ये टैबलेट है ना, ये 20 रुपए की है, ये एक टैबलेट 20 रुपए की है और ये स्ट्रांग है। तो देखते हैं कल सुबह तक सर्दी इससे कम आ जाएगी मे बी, और नहीं आई तो गंदा सीन है भाई, क्योंकि कल मेरा पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम का और अब हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक नहीं झूठ बोल रहा। तो आज दिन में मतलब बहुत सही सीन हुआ, अच्छा पेपर गया, मतलब इतना अच्छा पेपर गया भाई, मतलब किसी ने बाहर आकर इसके बारे में बात भी नहीं किया, मतलब इजी गया था, मतलब ऐसा कोई टेंशन वेंशन नहीं था कि ऐसा आंसर नहीं लिखा, और वो जस्ट एमसीक्यू टाइप था और इजी था, तो कोई सीन नहीं था। आई गेस हमने जल्दी पेपर ख़त्म कर दिया था, तो आधे घंटे का पेपर था, यूनिट टेस्ट थी ना, सो आधे घंटे का ही पेपर था 20 मार्क्स का। तो वो सेमेस्टर में 90 मार्क्स का ऑनलाइन पेपर होता है बस ईएसटी का, और देखो इतनी सर्दी हुई है अभी, मतलब ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा मैं, और मुझे भी स्टडी करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। कल पेपर है 10 से 11 बजे तक, 1 घंटे का पेपर है आई गेस। या आज दिन में मतलब पेपर हुआ, बहुत सही सीन था। उसके बाद एक गेस्ट लेक्चर था अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, ठीक है, वो अवेयरनेस का गेस्ट लेक्चर था, तो बहुत सही था, मतलब हेल्पफुल भी था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमको पता नहीं थी तो उसके थ्रू पता चल गई, एंड इट वाज गुड, राइट, इट वाज गुड। उधर मतलब रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, सब स्टूडेंट लोग बैठे थे, बट अब टीचर भी थे तो फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया उधर भी। और उसके बाद घर आया मैं, ठीक है, थोड़ा खाना वाना खाया, और खाना खा के फ्रेश होके मैं सो गया, बहुत मैं थक गया था, और अभी स्टडी भी कर रहा है, स्टडी करके जल्दी सोना है आज, क्योंकि हम मतलब अभी ये व्लॉग एडिट भी करना है और कल सुबह लाइव भी करना है, और कल ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है और एक पेपर है, ठीक है, एंड देखते कल भी व्लॉग करने के लिए ट्राई करेंगे, परसों व्लॉग वो भी अपलोड हो जाएगा। तो जो जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए आई हैव अ वर्कआउट स्प्लिट, इफ़ यू वॉन्ट जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको वो वर्कआउट स्प्लिट बताऊंगा, मतलब ठीक है, मेरे फ्रेंड ने मुझे पीडीएफ भेजा था उसका, वो पुश पुल लेग्स का फॉलो करता है, तो बड़ी अच्छी मतलब वर्कआउट स्प्लिट है, इफेक्टिव है एंड इंटेंस, बहुत अच्छी वर्कआउट स्प्लिट है। तो इफ़ यू वॉन्ट दैट, इफ यू आर अ जिम गाय, इफ यू वॉन्ट दैट, सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आई विल गिव यू द पीडीएफ, ओके। एंड तो आज के लिए इतना ही, आपको अच्छा लगा वो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें ये ब्लॉग, एंड सब्सक्राइब करें आपके फ्रेंड्स को, हमारे चैनल के लिंक्स भेजिए, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है, और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, देखते हैं कल ब्लॉग करेंगे कि नहीं, ठीक है, तो और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।